राया में आयोजित होने वाले मुहर्रम के त्योहार को नजदीक देखते हुए राया थाना प्रभारी संजीव चौधरी ने कस्बे के संभ्रांत लोगों की एक बैठक थाना परिसर में रखी, जिसमें समाज के सभी गणमान्य लोगों को एकत्रित कर त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सभी से अपील की गई। इस दौरान सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव क्षेत्राधिकारी प्रबल प्रताप सिंह के सामने रखे। वहीं क्षेत्राधिकारी प्रबल प्रताप सिंह ने लोगों से मुहर्रम त्योहार शांति और भाईचारे पूर्ण तरीके से मनाने पर बल दिया। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों में शमसुल दराज, फूल सिंह निषाद, मान सिंह सलीम आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मुहर्रम का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं दिनांक 18, 19, 20, 21, ये चार दिन यहाँ रहेंगे कार्यक्रम। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ संभ्रांत नागरिकों की मीटिंग ली गई है। उसमें सभी लोगों ने अपने अपने राय मशवरे रखे हैं और सबकी बातें सुनी गई हैं। जो मुख्य मुख्य बातें थी उसमें, ये तो ताजियों का जो रूट है, उस रूट पर बिजली के तार नीचे हैं, उनको ऊंचा कराने का, जो जेई साहब यहाँ मौजूद थे उनको बता दिया गया है। ये टाउन एरिया भी मौजूद थे और उनको भी बता दिया गया है कि सफाई वगैरह और रूट में अगर किसी तरह का कोई गंदगी है या कोई पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पड़ी हुई है, उनको हटवाने के लिए सभी लोग सहमत हो गए। और कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस अपना उस हिसाब से देखेगी कि कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान ना आवे, तो उसके लिए चिन्हित करके उनके साथ में उनके खिलाफ जो है 116 कार्रवाई करके मुचलका पाबंद किया जाएगा। सर, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं बताई गई है कि जो इस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करे, लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता है। पुलिस को भी इस तरह से निर्देशित किया गया है कि आप लोग भी समय से ड्यूटी लगावे और कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व अपना जो डिप्लॉयमेंट है वो यथास्थान लगा दिया जाए, ताजिए दारानों से मिल लिया जाए, उनकी एक कमेटी निश्चित कर ली जाए कि उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, जिससे कि किसी प्रकार का आपसी व्यवधान भी उत्पन्न न हो, आपसी समस्या भी उत्पन्न न हो और पुलिस के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट न हो। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं।